Everyone, it is the video for your biology, that is respiration in human beings. So today we will be learning about respiration in organism. So respiration in organism hota kaise hai? Topic is respiration in organism. So जो organism में जो respiration है वो mainly अगर organism को लेंगे तो ये दो part में होते हैं. That is plants and animals. ठीक है, तो plant में कैसे होता है exchange of gases? तो in plant exchange of gases through stomata. तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. अब स्टोमेटा में तो होता क्या है? तो स्टोमेटा के अंदर यहाँ का इन लोग का जो प्लांट सेल में आप देखे थे जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है. सो सिंस दे हैव सेल्स हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस. अब यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन. ठीक है, यहीं पर डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है. एंड प्लांट एलिमिनेट्स CO2 एट नाइट एंड ऑक्सीजन इन डे. ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि प्लांट का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा से होता है. क्यों? क्योंकि और उसमें होता क्या है, तो सिंस सेल्स हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, सेल्स के अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जिसके चलते ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस है वहीं पर एक्सचेंज हो रहा है. और जो प्लांट है वो नाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ये ज़्यादातर एलिमिनेट करता है, उसको छोड़ता है, और दिन के टाइम में ऑक्सीजन को वो एलिमिनेट करता है. ओके, तो वो एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रात में और दिन में ऑक्सीजन को. अब हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे. तो एनिमल्स में भी दो होता है. एनिमल्स में क्या होता है? तो एक होता है एक्वेटिक एनिमल और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल. ठीक है, पहले जो प्लांट पानी में रहते हैं और जो लैंड पे रहते हैं. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में या एक्वेटिक एनिमल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो लोग ब्रीथ कैसे करते हैं. तो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ओके, अब वो लोग ब्रीथ करते हैं गिल्स से, लेकिन वो लोग में करते क्या है? तो ये लोग सिंस वाटर में रहते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है. तो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है इन वाटर इज लेस. Therefore, ये लोग का जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज रहता है. ठीक है, Therefore, increased ब्रीदिंग रेट. अब फिश को देखते होगे, मछली को कि वो लोग, या फिर एक्वेरियम में खुद देखते होगे कि मछली लोग का क्या होता है, वो लोग का जो माउथ होता है वो तुरंत बंद, ओपन क्लोज वो लोग करते रहते हैं. क्यों करते रहते हैं? क्योंकि इसमें पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो वो लोग को हाई रेट में ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी जल्दी वो लोग को ऑक्सीजन लेना पड़ता है. इस चलते फिश ये सब जो है अपने माउथ को ओपन क्लोज करते रहते हैं. एंड ऑर्गन्स तो पता ही है कि ऑर्गन्स क्या हो गया ये लोग का, दैट इज ऑर्गन हो गया गिल्स. अब आते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल में वो लोग क्या से ब्रीथ करते हैं? तो दे ब्रीद यूजिंग लंग्स. तो ऑर्गन्स लंग्स हो गया. सेकेंड, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन एयर इज मोर सो डिक्रीज ब्रीदिंग रेट होता है. इस चलते हम लोग का ब्रीदिंग रेट उतना नहीं होता है, ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा कम होता है. मीन्स अगर 1 मिनट में आप देखोगे तो 17 to 20 टाइम्स हम लोग का ब्रीदिंग रेट होता है. ठीक है, 1 मिनट में हम लोग 20 बार ये अपना ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं.
ठीक है, ऑर्गन्स तो पता ही है क्या हो जाएगा, डेट इज लंग्स हो जाएगा, तो ये डिफरेंस होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमंस। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में सबसे मेन जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एयर को हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी में ब्रीद इन करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करवाना। इसके टोटल अगर देखेंगे तो 10 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट अगर देखेंगे नज़ल पैसेज, सेकेंड देखेंगे दैट इज नज़ल कैविटी, थर्ड इज फेरिंग्स, फोर्थ इज लैरिंग्स, फिफ्थ इज ट्रैकिया, सिक्स्थ इज ब्रोंकी या ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, ब्रोंकी बोल दीजिए। सिक्स्थ इज, सेवेंथ हो जाएगा आपका ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। एट हो जाएगा एल्वियोली, देन ब्लड। नाइन्थ इज ब्लड, एंड हमारा जो टेंथ होता है वो होगा सेल, जो लास्ट में यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, मींस यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है। तो हमारा जो नसल पैसेज है इसमें होता क्या है कि ये यहाँ से हम लोग एयर को ब्रीद इन करते हैं और यहाँ पर मीन्स यू कैन से इसी एरिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल फाइन हेयर प्रेजेंट होता है जो एयर को फिल्टर करता है, ठीक है, वो नसल पैसेज में होता है। आपका जो नोज़ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो नोज़ का होता है जहाँ पर दो होल्स होते हैं वहीं, उसी को नसल पैसेज बोलते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, एयर को, एयर में जो भी इम्प्योरिटीज होता है, जो भी जर्म्स होता है उसको वो रोकता है। उसके बाद होता है नसल कैविटी। नसल कैविटी में एक मीन्स यू कैन से जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, डैट्स कॉल्ड म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है यहाँ पर जब प्रेजेंट है वो क्या करता है, जो भी जर्म्स है, ठीक है, यहाँ पर कुछ जर्म्स पकड़ा गया, अब कुछ और जो जर्म्स होंगे वो कहाँ पर कैच हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं, वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं और वो म्यूकस के फॉर्म में फिर बाहर आ जाते हैं। फिर आता है फेरिंग्स। सो यहाँ पर जो हमारा नज़ल कैविटी है वह आप देखोगे नोज़ का, आईज़ और नोज़ आईज़ के बीच में एक यहाँ पर एक बोन मिलेगा, ठीक है, तो वो जो बोन होता है वही नज़ल कैविटी हो जाता है। फिर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ होता है, व्हेन यू विल ओपन योर माउथ तो देखोगे टॉन्सिल दिखता है, टॉन्सिल के पास एक पैसेज दिखता है, ठीक है, तो वो जो पैसेज होता है जहाँ पर एयर और वाटर दोनों यहाँ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फिर होता है हमारा लैरिंग्स, और लैरिंग्स कहाँ होता है, नेक पास होता है, ठीक है, गले में होता है, और यहीं पर हमारा क्या होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है या फिर एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है जिसके कारण हम लोग बोल पाते हैं। अगर उसको हम लोग प्रेस कर देंगे लैरिंग्स को तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइक आई विल बी शोइंग यू द इमेज, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो लैरिंग्स हो गया, इसके बाद जो ये एरिया हो गया इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाता है दैट इज ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट बोन होता है, लाइक हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, हमारे नोज में प्रेजेंट होता है। तो ये जो रिंग सी शेप का कार्टिलेज है ये उस ट्रैकिया को होल्ड कर कर रखता है, उसको पकड़ कर रखता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ तो ये स्टिक ना कर जाए, ठीक है, ये सट ना जाए। अब सट जाएगा तो क्या होगा, फिर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हम लोग डाई कर सकते हैं। तो ये जो कार्टिलेज है रिंग लाइक कार्टिलेज सी शेप का, ये इसको पकड़ कर रखता है कि ये एक दूसरे से सटे ना। लाइक आप सिंपल देखोगे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक में अगर सिंपल आप कोल्ड ड्रिंक जब तक पी रहे हो उसमें ये लिक्विड है तब तक वो सही है, लेकिन अगर ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक से अगर
ब्रीदिंग आउट करने लगोगे एयर, तो क्या होगा, लाइक ज़्यादा आप स्पीड में पीने लगोगे तो वो पाइप सट जाता है। तो उसी तरह हमारा ये जो लैरिंग्स है, ये जो ट्रैकिया है ना, ये भी सट सकता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है, उसको वो सटने नहीं देता है। अब जो हमारा ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जो है, अब ये दो पार्ट में, फिर ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकी, ठीक है। नीचे में ये ब्रोंकी हो जाता है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ब्रोंकी के बाद फिर फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंकियोलस। ये जो आपको दिख रहा है ना फर्दर डिवाइडेड, ये आपका ब्रोंकियोलस है, ठीक है। ये दो पार्ट जो डिवाइड, याद रखिएगा ट्रैकिया सिंगल लाइन, जब दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया तो वो हो गया ब्रोंकी। अब ब्रोंकी जब लंग्स के अंदर और फर्दर डिवाइड हो गया तो वो हो गया ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस की यहाँ पर एकदम एंड में, ठीक है, एंड में क्या प्रेजेंट होता है, तो एल्वियोली प्रेजेंट होता है। एल्वियोली में क्या होता है, तो एल्वियोली जो हमारा है, अब ये जो एल्वियोली यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक द कॉर्नर्स में, उसका आप देखोगे। सो ये आपका था, दैट वॉज ब्रोंकियोलस। और ब्रोंकियोलस के कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोली प्रेजेंट होता है। अब ये जो एल्वियोलस है, इसके अंदर में ये कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जो यहीं पर, ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है विद द यू कैन से डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता कौन है, तो हेमोग्लोबिन करता है। जो हेमोग्लोबिन है उसको वो करता क्या है, वो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है और वो ब्लड में मिक्स होकर, क्योंकि ब्लड के अंदर तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट ही है, तो ब्लड से वो पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूव कर रहा है ब्लड में पूरा, वो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे सेल को पूरा ऑक्सीजनेट करता है और फाइनली फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हमारे सेल से और फिर आकर यहाँ पर मीन्स डिफ्यूजन प्रोसेस से उसको गिव आउट कर देता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन आया तो गिव इन कर लिया, टेक इन कर लिया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरे बॉडी से लेकर आया तो उसको गिव आउट कर देता है और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीद आउट हो जाता है। तो अगर प्रोसेस से पूरा समझेंगे तो इसमें प्रोसेस होगा क्या, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, दैट एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। सेकंड, एयर इज फिल्टर्ड by fine hairs that line the passage. फिर next third point में air passes from throat, means जो हमारा larynx है, क्योंकि फेरिंग्स में तो एयर और फूड दोनों जाता है, हमारा जो फेरिंग्स होता है उसमें वहीं पर थ्रोट प्रेजेंट होता है, तो एयर वहां से जाता है इनटू कहां पर, लंग से, ट्रैकिया के हेल्प से। अब यहां पर फिर क्या होता है, एक आता है वर्ड लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो हमारा है, यहां पर ही वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट ओवर हियर। अब उसके बाद नीचे जब बढ़ते हैं तो अभी बताए थे रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। अब जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये क्या है, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर टू इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है। अभी बताए थे कि वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कार्टिलेज है, वो उसका काम क्या है कि जब एयर नहीं हो उस पैसेज में, ठीक है, लाइक जो ट्रैकिया है उस पैसेज में अगर एयर नहीं हो तो क्या हो सकता है, वो सट सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो इस चलते क्या होता है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो उसको रोक कर रखता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एयर जो है हमारा, एयर पासेस थ्रू ब्रोंकी। अब वहाँ से ट्रैकिया से गया, ट्रैकिया के बाद अब ब्रोंकी में गया, ब्रोंकी टू ब्रोंकियोलस एंड लेटर टू स्मॉलर सेक्शन। और ये किस टाइप का होता है, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर। और इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एल्वियोली बोलते हैं।
ठीक है, ये एक बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्लस्टर ऑफ एल्वियोली पूरे जो फॉर्म मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, तो लंग्स फॉर्म करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उसे करने लेने में हेल्प कौन करता है। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में जो ये डायफ्राम है, ये हेल्प करता है। कैसे ये हेल्प करता है? तो जब भी हम लोग एयर को इनटेक किए, ठीक है, जब भी हम लोग सांस लिए, तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब ये डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो अब लंग्स के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो एयर को ब्रीद आउट कर सके। तो अब डायफ्राम क्या करता है, वो पुश करता है, और ये डायफ्राम फिर से अपना वो जो ओवल शेप होता है उस शेप में आ जाता है, और वो लंग्स को पुश कर कर अंदर का जो एयर होता है उसको बाहर करता है। तो ये डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट। अब एक केस होता है, दैट इज सपोज कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उनका बॉडी ना ही बॉडी टूटा, ना ही बॉडी ना ही कुछ स्क्रैच आया, ना कुछ आया, अंदर का हड्डी ये सब भी नहीं टूटा, लेकिन वो डाई कर गया। कैसे डाई किया? तो ये डायफ्राम जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसी को ये हर्ट ये इसको चोट लग जाता है। जैसे ही ये चोट होगा, इसको ये काम करना बंद करेगा, और ये काम करना बंद कर देगा तो सांस तो अंदर आएगा बट वो बाहर ही नहीं जा पाएगा, जिसके चलते पर्सन डाई कर जाता है। और सेकेंड केस होता है इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। उसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में ये जो स्पेस होता है, यहाँ पर जो बेबी होता है वो लिए रहता है। तो अब वो लोग कैसे ब्रीद आउट ब्रीद इन करें? तो ब्रीद इन करने के लिए तो ठीक है, ब्रीद इन हो गया, अब ब्रीद आउट क्या करें? तो डायफ्राम तो वर्क कर नहीं पाता उस समय। तो उस समय प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, जो हमारा जो रिब्स होता है वो हेल्प करता है। तो रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है, और वो हेल्प करता है इन द ब्रीदिंग आउट एंड ब्रीदिंग इन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में उस टाइम वो रिब्स हेल्प करता है। तो ये आपका दो केस है जिसमें डायफ्राम हेल्प कर रहा है ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट में। अब इसको डिटेल में देखते हैं। सो प्रोसीजर कैसे होता है? तो प्रोसीजर अगर देखेंगे, प्रोसीजर में कि व्हेन वी ब्रीद इन इट लिफ्ट्स आर रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्राम। ठीक है, हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ पर डायफ्राम फ्लैट होने के बाद कारण हुआ क्या? तो इंक्रीज इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जो हमारा है वो इंक्रीज कर जाता है, चेस्ट में जो अंदर खाली स्पेस भरा हुआ है वो इंक्रीज कर गया, जिसके चलते हम लोग सांस लेते हैं तो हमें अपना चेस्ट देखते होंगे, जब सांस लिए तो हमारा चेस्ट फूल जाता है। तो वो फूल क्यों जाता है? क्योंकि चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, एयर इज सक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्ड एक्सपैंडेड एल्वियोली। ठीक है, अब एयर अंदर लंग्स के अंदर गया, और जो हमारा एल्वियोली है उसके अंदर वो उसको फिल कर दिया। अब एल्वियोली के अंदर फिल करने के बाद क्या होगा? जब एल्वियोली के अंदर वो फिल कर गया, उसके बाद फिर आता है ब्लड। एल्वियोली में क्या प्रेजेंट है? तो एल्वियोली के साइड में कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसमें हेमोग्लोबिन ब्लड ये सब मूव कर रहा है। तो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू एल्वियोली एंड फाइनली फिर ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय एल्वियोलर ब्लड वेसल। And finally, oxygen is transported to whole body by transportation system. ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, हार्ट से सारा चीज़ वो मूव करता है। ठीक है, यूजिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पिगमेंट से। तो देखिए हुआ क्या, जब हम लोग सांस लिए, हमारा रिब्स जो था वो लिफ्ट अप हो गया, ठीक है, वो एक्सपैंड किया, हमारा डायफ्राम जो था वो फ्लैट हो गया।
ठीक है, अब जिसके चलते चेस्ट कैविटी में एयर इंक्रीज हो गया, वो चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर गया, फिर एयर इज सक्ड इन टू लंग्स, एयर फिर लंग्स के अंदर गया एंड फिल्ड एक्सपेंडेड एल्वियोली, एल्वियोली से वो फिर मिक्स हो गया। उसके बाद जो ब्लड है एयर में, ब्लड जो था सॉरी एयर में कह रहे, जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी पार्ट से वो लाया, क्योंकि अभी बताए थे हेमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट ही होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में वो मूव करता है, वहाँ पर वो एक्सचेंज करता है, वहाँ पर वो ब्लड को दे ऑक्सीजन को वो देता है सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आ जाता है और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इनटू एल्वियोली, और फिर वहाँ पर एल्वियोली में डिफ्यूजन प्रोसेस से, याद रखिएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, फिर ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलिस एल्वियोलर एयर जो है, ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय एल्वियोलर ब्लड वेसल, ठीक है, फिर वहाँ से ब्लड ऑक्सीजन को लिया जाता है, जो हेमोग्लोबिन है फिर से वो लेगा ऑक्सीजन को, और फिर ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से मूव करता है, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो यूज़ होता है। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या, तो दीज आर द पिगमेंट्स, अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स तो ये है, दीज आर द पिगमेंट्स इन आर बॉडी दैट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डिफिशियंट इन ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अभी बताए थे उसी का वही चीज़ है ये, कि दीज आर पिगमेंट, ये ऐसा पिगमेंट हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन को लेता है कहाँ से, फ्रॉम द एयर इन लंग्स, लंग्स से लिया एंड कैरी इट टू द टिश्यू, और उसको पूरे टिश्यू में हमारे सेल्स में पहुँचाता है। ये काम कौन करता है, तो ह्यूमन में ये कौन काम, हेमोग्लोबिन करता है। अभी बताए थे हेमोग्लोबिन का काम क्या था, तो हेमोग्लोबिन ये वर्क करता है। याद रखिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मेन काम कौन कर रहा है, तो लंग्स तो वो ऑर्गन है वो कर ही रहा है, लेकिन जो डिफ्यूजन प्रोसेस है कार्बन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कौन कर रहा है, ये हेमोग्लोबिन करता है। तो हेमोग्लोबिन होता कहाँ है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन RBC, रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। अब ये हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होता है, ये इसको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पसंद होता है, ये ऑक्सीजन को ही मेनली लेकर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ऑक्सीजन की जगह पर इससे इसको और एक चीज़ पसंद है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये और पसंद करता है, उसको लेता है। कभी कभी आप देखोगे तो मान लीजिए अगर आप धुआं देखो, तो धुआं को ये जल्दी आपके बॉडी में आ जाता है और आप स्नीज कफ आपको हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक और चीज़ आता है कि हम लोग हिकअप्स क्यों लेते हैं, हिचकी क्यों लेते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो लंग्स है, हमारा जो फेरिंग्स है, सपोज़ ये फेरिंग्स है ये लैरिंग्स है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर सपोज़ ये एयर के लिए पैसेज है और ये वाटर के लिए पैसेज है, सॉरी वाटर कह रहे फूड के लिए पैसेज है, हाँ फूड वाटर वही हो गया। अब जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल करता है कि अच्छा यहाँ पर फूड आया या यहाँ पर एयर आया। जब एयर आएगा तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस है, ये क्या करता है, ये इधर टर्न कर लेता है, ये खुद मुड़ जाता है, ये एक मींस यू कैन से एक ऑर्गन है जो इधर 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 मूव करते रहता है। जब देखेगा कि एयर आ रहा है तो इधर मूव कर जाएगा, जब देखेगा फूड आ रहा है तो इधर मूव कर जाएगा। तो जब एयर हम लोग ब्रीद इन किए तो इधर आ गया और एयर इधर चला गया, जब फूड हम लोग खाए तो ब्रेन को सिग्नल पहुँचा अच्छा फूड खाते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस इधर मूव कर गया और यहाँ से मींस यू कैन से फूड अपने पैसेज में स्टमक में पहुंच गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग टीवी देखते रहते हैं या कहीं हम लोग बिजी है बात करने में और हम लोग खाते रहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो पहले से कोई ना कोई वर्क कर रहा है और हमें ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल पाता है कि ये एयर आया कि वाटर आया। उस समय एपिग्लॉटिस कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो इधर मुड़ जाता है। सपोज़ वो मुड़ गया,
फूड की तरफ, फूड को बंद कर दिया, फूड पाइप को बंद कर दिया। अब जो फूड है वो यहाँ से एंटर कर कर एयर वाले पैसेज में लंग्स में चला जाने लगेगा, तो यहाँ पर ही आकर वो रुक जाएगा। लंग्स देखेगा कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, तो लंग्स को पता चला कि अच्छा ये तो फूड है, लेकिन फूड हमारे बॉडी में लंग्स में जाएगा तो हम लोग दवाई कर सकते हैं। तो इस चलते लंग्स प्रेशर बनाता है, डायफ्राम प्रेशर बनाता है और उसको प्रेशर बना के ऊपर रिलीज करता है, और इसको जब तक रिलीज करते रहेगा जब तक ये फूड है ना पूरा प्रॉपर इधर नहीं आ जाएगा। तो फूड मान लीजिए यहाँ पर आ गया, फिर हम लोग पानी पीते हैं तो अच्छा हम लोग ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हम लोग पानी पिए, तब ये क्लोज हो जाता है, फूड इधर मूव कर जाता है। तो ये हिकअप्स कब आ रहा है, तो ये जो प्रेशर लगा रहा है उसको ढकेल रहा है, ठीक है, जब भी उसको पुश कर रहा है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो हम लोग हिकअप्स आता है। जब भी आप हिचकी लेते हो तो वो एक हिकअप्स में यहाँ से वो बाहर आ। ओके, सो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।